In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, student. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज हम मैथ में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ ब्रैकेट, जो कि आपके असाइनमेंट नंबर 7 से रिलेटेड है. पहला आपका सवाल ये होना चाहिए कि फंडामेंटल ऑपरेशंस आखिर होते क्या हैं. चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस होते क्या हैं. यह आप सभी लोगों को पता है. फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं सिंपल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इनको हम फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है, इनको यूज़ करते हुए इस चैप्टर में हम तीन तरह के टर्म्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन है डिमास, सेकेंड है बोर्ड मास और थर्ड है बैड मास. इन तीनों टर्म्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन है डिमास. डिमास को मैं डिफ़ाइन कर दूँ, डी फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में डिवीजन को ढूंढेंगे, डिवीजन का काम करेंगे. उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को ढूंढेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे. फिर उसके बाद आप एडिशन को ढूंढेंगे, एडिशन का काम करेंगे. और सबसे आखिर में आप सब्ट्रैक्शन को ढूंढेंगे और सब्ट्रैक्शन का काम ख़त्म करेंगे. ठीक है, यह आपको एक तरतीब बता रहा है कि आप किसी भी मैथ के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे. सेकंड वन है हमारा बोर्ड मास. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन. यानी इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को ढूंढेंगे, ब्रैकेट को ढूंढने के बाद आप ब्रैकेट का काम ख़त्म करेंगे. फिर उसके बाद आप डिवीजन को ढूंढेंगे, डिवीजन का काम करेंगे. उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को ढूंढेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे. और फिर उसके बाद आप एडिशन को ढूंढेंगे, एडिशन का काम करेंगे. फिर सबसे आखिर में आप सब्ट्रैक्शन को ढूंढेंगे और उसका काम ख़त्म करेंगे. ये भी आपको एक तरतीब बता रहा है कि आप मैथ के सवाल को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बोर्ड मास. उसके बाद है सबसे आखिर में हमारी तीसरी टर्म, जो कि है बैड मास. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन. ये भी आपको तरतीब बता रहा है कि किसी भी सवाल में आप सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को ढूंढेंगे, ब्रैकेट का काम ख़त्म करेंगे. फिर उसके बाद ई फॉर एक्सपोनेंट, आप एक्सपोनेंट को ढूंढेंगे, उसका काम करेंगे. उसके बाद आप डिवीजन को ढूंढेंगे, डिवीजन का काम करेंगे. फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे. फिर उसके बाद एडिशन और सबसे आखिर में आप सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे. इसी तरह से आपको कोई भी सवाल मिलता है तो आप इन तीनों टर्म को देखते हुए अपने सवाल को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बाय यूजिंग डी मास, बाय यूजिंग बोर्ड मास, बाय यूजिंग बैड मास. आज हम यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिंप्लीफाई द फ्लोइंग. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 14 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 माइनस 20. ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिमास. ठीक है, हम डिमास को यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे. डिमास के मायने मैंने आप लोगों को अभी बताया था, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? डिवाइड को. डिवाइड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा डिवाइड. 14 को डिवाइड करना है हमें 2 की टेबल से. ठीक है, ये काम हम करेंगे अपना रफ वर्क में. 14 को हमने लिख दिया अंदर और अब हमें 2 की टेबल पढ़नी है. क्या 2 की टेबल में 14 आता है? जी आता है. 2 के टेबल में 7 टाइम्स पढ़ने से 14 आता है. ये हम लिखने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर माइनस. ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्रॉस, 4 में से 4 माइनस करेंगे क्रॉस. 14 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया है 7. तो अब हम 14 डिवाइड बाय 2 की जगह पर लिख देंगे 7 और बाकी जो चीज़ें हमारी हैं उन्हें हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. इसके बाद डिमास को देखते हुए हमने डिवीजन का काम कंप्लीट कर लिया. अब आई है हमारी मल्टीप्लिकेशन की. इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5. 7 को हमें
5. जब हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है यहाँ पर 35. और बाकी चीजें जो हमारी रह गई हैं उन टर्म्स को हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. मल्टीप्लीकेशन का काम हो गया खत्म. अब बात आई है एक और एडिशन. अब हम इस क्वेश्चन में एडिशन को ढूंढेंगे. एडिशन ये रहा हमारे पास 35 + 5. इन दोनों को प्लस करना है. ये भी हम अपने रफ कट में करेंगे. 35 + 5, 5 + 5, 10. 0, 1 चला जाएगा 3 के ऊपर. 3 + 1, 4. 35 में 5 प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया है 40. हम यहाँ पे लिख देंगे 40 और बाकी जो हमारी टर्म थी -20 इसे हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. अब हम सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन. एस फॉर सब्ट्रैक्शन. 40 में से हमें 20 को माइनस करना है. ये काम भी हम अपने रफ्तार में करेंगे. 40 से हमें 20 को माइनस करना है. 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 ही बचेगा. 4 में से हम जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 2. फाइनल आंसर हमारा आया है 20. इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है 20. अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. 5 × 8 + 5 − 28 / 2. इस क्वेश्चन को भी हमें डिमास से सॉल्व करना है. सबसे पहले हम किसे देखेंगे, डिवीजन को. इस क्वेश्चन में डिवीजन कहाँ है, सबसे लास्ट में. भले ही डिवीजन लास्ट में हो या पहले हो, हमें सबसे पहले काम करना है डिवीजन का ही. लिखा हुआ है यहाँ पे 28 / 2. 28 को हमें डिवाइड करना है 2 से, इसलिए हम रफ वर्क में अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे. 2 की टेबल में हम एक एक करके नंबर्स को देखेंगे. 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स पढ़ने से. 2 × 1 = 2. अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस. 2 में से 2 माइनस करेंगे क्रॉस, और ये वाला 8 जो है वो हो जाएगा नीचे बिल्कुल कॉपी. अब हमें देखना है क्या 2 की टेबल में 8 आता है. जी आता है. 2 × 4 = 8. अब हम 8 और 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्रॉस. और हमारे पास 28 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो मेन आंसर आया है वो है 14. तो अब हम इन पहले वाली सारी टर्म्स को वैसे ही कॉपी कर देंगे और 28 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर 14 आया है उसको हम इस जगह पर लिख देंगे. ठीक है, डिवीजन का काम हो गया कंप्लीट. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को. इस सवाल में क्या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है. ये रहा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पहले. फर्स्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन. हमें करना है 5 और 8 को मल्टीप्लाई. 5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 × 5 = 40. अब हम 5 × 8 की जगह पर हम अपना आंसर लिख देंगे 40. और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पास जितनी हमारी टर्म्स हैं उनको हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया कंप्लीट. अब बारी है एडिशन की. अब हमें इस क्वेश्चन में एडिशन को ढूंढना है. एडिशन भी हमारा बिल्कुल फर्स्ट पे है. 40 को प्लस करना है 5 के साथ. जब हम 40 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. 5 के साथ 0 प्लस नहीं हो सकता तो 5 वैसे ही कॉपी हो जाएगा. और 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 4 भी वैसे ही कॉपी हो जाएगा. और हमारा आंसर क्या आएगा, 45. हम अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे. अब हमारी लास्ट टर्म रह गई थी -14, इसे हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. अब हमारा सबसे लास्ट में है एस फॉर सब्ट्रैक्शन. 45 में से 14 को हमें करना है माइनस. 45 में से हम 14 को यहाँ पर माइनस करेंगे. 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1. और जब हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3. हमारा मेन आंसर क्या आया है यहाँ पर, 31.
इस पूरे क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 31। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये आप लोगों को घर पे खुद से बनाना है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अब आप लोगों को उसका पार्ट 11 समझा रही हूँ, ठीक है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बैड मास, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को ढूंढेंगे, अगर ब्रैकेट मौजूद होगा तो उसका काम करेंगे, अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं होगा तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे जो कि है E4 एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में हमें देखना है क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो अब हम ब्रैकेट को नेगलेक्ट कर देंगे और उसके बाद अब हम E पर आ जाएंगे। E4 होता है हमारा एक्सपोनेंट। यहाँ पर इस 4 के ऊपर जो ये 2 मौजूद है, इस 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। कोई भी अगर नंबर हो, जैसे कि ये नंबर 2 मैंने लिखा, इसके ऊपर अगर कोई भी छोटा नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इस नंबर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये नंबर जो होगा ये होगा हमारा एक्सपोनेंट, और ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जो बड़ा नंबर होता है उसे हम कहते हैं बेस, और उसके ऊपर जो छोटा नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब इस क्वेश्चन में हर नंबर के ऊपर एक एक्सपोनेंट मौजूद है। 4 के ऊपर है स्क्वायर, इस 2 को हम स्क्वायर पढ़ेंगे। 6 के ऊपर है स्क्वायर, 5 के ऊपर है स्क्वायर, और इस 4 के ऊपर है क्यूब, इस 3 को अब हम क्यूब पढ़ेंगे। C-U-B-E क्यूब हम कहते हैं जब 3 पावर की फॉर्म में हो, और स्क्वायर कहते हैं हम 2 को जब ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। हम 2 नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्क्वायर, और इस 3 को हम कहेंगे क्यूब। इस पावर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 4 को हमें 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि इस 4 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो हम 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है प्लस, प्लस का साइन ये रहा। उसके बाद है 6, 6 के ऊपर भी पावर मौजूद है स्क्वायर, इस 6 को भी हम 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद है प्लस का साइन, प्लस का साइन हमने वैसे ही लिख दिया। अब इस 5 के ऊपर भी है स्क्वायर, इस 5 को भी हमें 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है प्लस, प्लस का साइन ये रहा। 4 के ऊपर है क्यूब, 4 को हमें 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करना है। 4 के ऊपर था पावर क्यूब, हमने 4 को 3 टाइम्स लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आ गए हैं क्या ब्रैकेट्स, ये रहा एक ब्रैकेट, ये रहा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बैड मास को यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा हो जाएगा हमारा 16, 4 जा 16 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद हो रहा है 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये भी हम रफ वर्क में करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की टेबल जब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। यहाँ पे भी हमने 36 लिख दिया। उसके बाद है प्लस का साइन, हमने प्लस का साइन यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर दिया। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, ये भी हम रफ वर्क में करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। अब इस ब्रैकेट की जगह पर हम यहाँ पर 25 लिख देंगे। फिर उसके बाद है माइनस का साइन, माइनस का साइन वैसे ही कॉपी। अब यहाँ पे जो है 4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4 ज़ा 16, 16 ये हमारा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि अभी एक और 4 बाकी है। अब हमें 16 को जो हमारा आंसर आया है उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने आखिरी वाले 4 से।
जब हम 16 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 4 64। ये अब हमारा आ गया आंसर। उसके बाद अब हमने ब्रैकेट का काम कर लिया ख़त्म, एक्सपोनेंट का काम भी हमने कर लिया ख़त्म। अब हम देखेंगे डिवीजन को, क्या इस क्वेश्चन में डिवीजन मौजूद है। इस क्वेश्चन में अब डिवीजन मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन थी तो ब्रैकेट के अंदर थी, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसके बाद है एडिशन, अब हमें इस क्वेश्चन में एडिशन को देखना है। ये रहा पहला एडिशन, ये रहा दूसरा एडिशन। पहले हमें 16 और 36 को प्लस करना है, फिर उसके बाद हम 25 को प्लस करेंगे। अब हम एडिशन का काम करेंगे। सबसे पहले हम 16 और 36 को आपस में प्लस करेंगे। 6 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी। फिर हम 3 और 1 को प्लस करेंगे, 3 + 1 = 4, और 4 में हमें इस कैरी को भी प्लस करना होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब इस 52 में हमें प्लस करना है 25 को, ठीक है। इसमें अब हम करेंगे प्लस 25, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7। ये हमने एडिशन का काम यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब हम इस पूरे एडिशन की जगह पर हमारा आंसर लिख देंगे जो कि है 77। हमारी जो लास्ट टर्म बच गई है वो है -64। अब हमें सबसे लास्ट में करना है सब्ट्रैक्शन। 77 में से हमें माइनस करना है 64 को। जब हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। और 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 1। तो इस पूरे क्वेश्चन को बैड मार्क्स से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है वो है 13। अब हम एक्सरसाइज 4.1 में पार्ट 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4² × 2³ - 3³ + 4³। इस क्वेश्चन को भी हमें बैड मार्क्स से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बी फोर ब्रैकेट, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंट, क्या इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट मौजूद है। जी, इस क्वेश्चन में हर एक नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट मौजूद है। सबसे पहले 4 के ऊपर है स्क्वायर, तो हम 4 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लाई का साइन, हम मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद है 2 के ऊपर क्यूब, 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है माइनस का साइन, 3 के ऊपर फिर मौजूद है क्यूब, हमें 3 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 4 के ऊपर क्यूब, 4 को भी हमें 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है मल्टीप्लिकेशन, 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये हम करेंगे रफ वर्क में, 4 × 4 = 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा आया 16। 16 को हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद हमें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसको भी हम रफ वर्क में करके दिखाएंगे। पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 जो हमारा आंसर आया है उसको अब हम अपने लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8। इस 8 को अब हम इसकी जगह पर कॉपी कर देंगे। उसके बाद है माइनस का साइन, यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस का साइन। अब उसके बाद है 3, 3 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, 3 × 3 = 9। ये जो हमारा आंसर आया है इस आंसर को हम अपने लास्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 27। इस 27 को अब हम अपने इस जगह पर लिख देंगे। उसके बाद है प्लस का साइन, प्लस का साइन यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4, 4 × 4 = 16। अब हम अपने 16 को लास्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को अब जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। इस 64 को अब हम यहाँ पर लिख देंगे।
इसके बाद अब हमें एक्सपोनेंट के बाद हमें देखना है डिवीजन को, क्या इस क्वेश्चन में डिवीजन मौजूद है, नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, जी मल्टीप्लिकेशन ये रहा, 16 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, ये काम भी हम करेंगे रफ वर्क में। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, एट की टेबल जब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 6 48, 8 यहाँ पर लिखेंगे, 4 चला जाएगा 1 के ऊपर कैरी, 8 1 8। अब इस 8 में हम अपने कैरी को प्लस करेंगे, 8 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 10 11 12, 1 2। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है, 128। बाकी के टर्म्स कितने बच गए, -27, इसे हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्या है, +64, इसे भी हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है हमारा, A4 एडिशन, क्या इस क्वेश्चन में एडिशन मौजूद है, जी ये रहा एडिशन, 27 और 64 को हमें करना है प्लस, 27 और 64, सेवन में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 9 10 11, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 1 चला जाएगा 2 के ऊपर कैरी, 6 प्लस 2 7 8 और 8 प्लस 1 9, हमारा ये आंसर क्या आया, 27 और 64 को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया है 91 और ये 128 यहाँ पे हो जाएगा वैसे ही कॉपी। लास्ट क्या है हमारा, S4 सब्ट्रैक्शन, 128 में से माइनस करना है हमें 91। एट में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ये 1 अपना कैरी 1 दे देगा इस 2 को और ख़ुद हो जाएगा ख़त्म। ये 2 इस 1 से 1 कैरी लेने के बाद ये जो है अब क्या बन चुका है, 12। 12 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो लास्ट आंसर आया है, लास्ट और फाइनल आंसर, वो क्या है, 37। इस क्वेश्चन को जब हमने बैड मास से सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया है लास्ट, 37। एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 11 और 12 मैंने आप लोगों को समझा दिया है, पार्ट 13 और 14 आप खुद से करके लाएंगे। अब हम यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 4.2 में हमारा पहला सवाल है, 24 प्लस 25, ये मौजूद है ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाय 7 प्लस 20 माइनस 20। इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है बैड मास से। सबसे पहले हम B4 ब्रैकेट को ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद है, ये रहा, 24 और 25 को हमें करना है प्लस, ये हम करेंगे रफ वर्क में, 24 प्लस 25, 5 और 4 को जब हम प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 9, 2 प्लस 2 4, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 49। इस ब्रैकेट की जगह पर अब हम लिख देंगे 49 डिवाइड 7 और बाकी की टर्म्स हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद है E फॉर एक्सपोनेंट, क्या इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट मौजूद है, इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे D फॉर डिवीजन, क्या इस क्वेश्चन में डिवीजन मौजूद है, जी ये रहा, 49 को डिवाइड करना है 7 से, यहाँ पे अब हम रफ वर्क में इसे डिवाइड करेंगे, 49 को हम लिखेंगे अंदर और 7 यहाँ पर रहेगा बाहर। 7 की टेबल में क्या 49 आता है, जी आता है, 7 7 ज़ा 49। अब हम करेंगे माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे क्रॉस, 9 में से 9 माइनस करेंगे क्रॉस,
49 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है 7। बाकी की टर्म्स प्लस 20 माइनस 20 ये हो जाएगा वैसे ही कॉपी। अब उसके बाद हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन, क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, नहीं है। उसके बाद बारी आती है एडिशन की, ए फॉर एडिशन। इस क्वेश्चन में एडिशन मौजूद है, ये रहा 7 और 20 को करना है हमें प्लस। 20 और 7 को जब हम करेंगे प्लस, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। 20 और 7 की जगह पर अब हम यहाँ पे लिख देंगे 27 और माइनस 20 हो जाएगा वैसे ही कॉपी। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, 27 और 20 को करना है हमें माइनस। 27 और 20 को हमें माइनस करना है, 7 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा वैसे ही कॉपी। 2 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं, 0। हमारा आंसर क्या आया है इसके बाद, 27 में से 20 को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है 7। जब हमने इस क्वेश्चन को बैड मार्क्स से सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 7। एक्सरसाइज 4.2 का मैंने आप लोगों को पार्ट ए बताया है, पार्ट बी सी और डी आप लोगों को घर पर खुद से करना है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यही सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, और अब हम इसका पार्ट ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स कितनी तरह की होती हैं। ब्रैकेट जो है 3 तरह की होती हैं, पहली होती है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, दूसरी होती है कर्ली ब्रैकेट, और तीसरी होती है लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों तरह की ब्रैकेट्स आ जाएं तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, और फिर सबसे आखिर में हम लार्ज ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 2 तरह की ब्रैकेट्स दिख रही हैं, पहली है हमारी कर्ली ब्रैकेट और दूसरी है हमारी स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 को हम कर देंगे वैसे ही कॉपी, प्लस वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट बनाकर स्टॉप हो जाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट का काम शुरू कर देंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास कितनी है यहाँ पर, पहली स्मॉल ब्रैकेट ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी और चौथी, 4 हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स मौजूद हैं। पहली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। इसे हम रफर में करके दिखाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 का क्या होता है, हमारा आंसर आ जाएगा 10। इस आंसर को अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे और प्लस का साइन बीच में वैसे ही कॉपी। उसके बाद दूसरी स्मॉल ब्रैकेट आ गई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 और 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, 3 3 ज़ा 9। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करके अपना आंसर लिख देंगे और इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट को हम अपने क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद बीच में साइन मौजूद है माइनस, माइनस का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद दूसरी कर्ली ब्रैकेट मौजूद है वो हम लगाएंगे। उसके बाद है हमारी तीसरी स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 और 5 को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25। इस 25 को हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। बीच में साइन मौजूद है प्लस का, प्लस का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद है हमारी आखिरी स्मॉल ब्रैकेट, इसमें लिखा हुआ है 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 3 ज़ा 12। स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पर 12 लिख देंगे और अपनी कर्ली ब्रैकेट को हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। उसके बाद बारी आती है क्या, हमने स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया, अब बारी आएगी हम अपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितनी कर्ली ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट ये रही और दूसरी कर्ली ब्रैकेट ये रही। पहली कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10 और 9 को करना है प्लस, सिंपल हम यहाँ पर 10 और 9 को प्लस करके दिखाएंगे। 10 और 9 को जब हम प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19। अब हम इस अपने कर्ली ब्रैकेट की जगह पर लिख देंगे 19, बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और 12 को करना है प्लस,
25 और 12 को हम करेंगे प्लस। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है क्या, 37। अब हम अपने बेड मास पे आ जाएंगे। हमने ब्रैकेट का काम कर लिया, एक्सपोनेंट इस क्वेश्चन में मौजूद है नहीं है, एक्सपोनेंट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद है डी, डी फोर आता है डिवीजन, क्या इस क्वेश्चन में डिवीजन मौजूद है, नहीं है। उसके बाद है एम, एम फोर है मल्टीप्लिकेशन, इस क्वेश्चन में अब मल्टीप्लिकेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद है एडिशन, इस क्वेश्चन में क्या एडिशन मौजूद है, जी मौजूद है, ये रहा एडिशन। 20 और 19 को हमें क्या करना है, प्लस। अब हमें क्या करना है, 20 और 19 को करना है आपस में प्लस। 9 में 0 प्लस नहीं हो सकता, 9 वैसे ही कॉपी, 2 प्लस 1 3। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 39। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 37, ठीक है। 39 में से जब हम 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम रफ वर्क में करके दिखाएंगे। नाइन में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो 39 में से 37 को माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दोनों के पार्ट समझा दिए हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैंने आप लोगों को बता दिया है, पार्ट बी आप लोगों को खुद से बनाना है। इस क्वेश्चन को भी हमने बेड मास से सॉल्व किया था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने डिमास और बेड मास को यूज़ करते हुए बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि डिमास और बेड मास के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए हों और सारे सवालात आपको सही से समझ में आए हों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।